हाय गैस, कैसे सभी लोग? वेलकम बैक इन द गेम वीडियो। सो गैस, आज की वाली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की वाली वीडियो में मैं अपने जो हर्ट्स हैं उसको ड्यूब करने वाला हूँ एक तरीके से। वैसे वो मैं करने में भी सर्वाइवल में वाला हूँ, कोई यानी मैं क्रिएटिव या फिर कोई प्लग इन वगैरह नहीं डालने वाला, मैं सिंपल इसको सर्वाइवल में करने वाला हूँ। तो ये जाने के लिए वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहले अभी तो फिलहाल मेरे पास 27 हर्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। सबसे पहले मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 1 हर्ट पे आना है। तो ये कमांड है /lifesteal withdraw और जितने आपको हर्ट चाहिए वो आगे लिख देने। तो फिलहाल मुझे 27 लिखना, गलती से मैं 26 लिख दिया। चलो मैं एक और हर्ट विड्रॉ कर देता हूँ। ये हर्ट की हमारी जो होती है ना वो लुक होती है, ये पता नहीं हर्ट ऑफ द सी होता है ना, वो जैसे है। तो 27 हर्ट्स मेरे पास आ गए हैं। तो बस अब मुझे इसको कहीं रख देना है एक संभाल के किसी चेस्ट में, ताकि कोई चोरी ना कर ले। तो मैं सबसे पहले उन बेस में सारा कुछ रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा इन्वेंट्री खाली करके यहाँ रख दिया, और जो हर्ट्स थे 27 वो भी यहाँ रख दिए हैं। तो बस अब मुझे इस सर्वर में मरना है, ताकि मैं इस सर्वर से बैन हूँ। हाँ, वैसे अजीब सा लग रहा है सर्वर से बैन होते हुए, लेकिन यही ट्रिक है, इसी हर्ट ड्यूप होंगे। तो मेरे वो काफ़ी कमाल ट्रिक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मर जाता हूँ, और अब मुझे बैन हो जाना, अब मैं बैन हो जाऊँगा, शायद हो जाना चाहिए वैसे। तो सबसे पहले मैं ये बकेट अंदर रख देता हूँ चेस्ट में, और यहाँ से जाता हूँ। तो शायद मैं बैन हो गया हूँ सर्वर से। नहीं, मुझे याद आ गया गाइस, नेचुरल डेथ से हर्ट नहीं जाता। मुझे कोई प्लेयर मारेगा तभी मेरा हर्ट जाएगा, ताकि उसको हर्ट मिल जाए किसी को। तो बस अब मैं एक काम करता हूँ, कोई प्लेयर ढूंढता हूँ। यार मैं दोबारा मर गया, चलो खैर हर्ट तो मेरे नहीं जाएगा मेरा। तो यहाँ पर अब मुझे कोई प्लेयर ढूंढना है। तो वहाँ पर मेरे खासा आगे खड़े हुए हैं हाई बाइसिकल फ्लेम आगे जाके। हाँ गाइस, यही पता नहीं क्या डील चल रही है, कोई डील कर रहे हैं पता नहीं दोनों। तो बाकी ये मेरे पीछे पड़ गया, मेरे ख्याल से फ्लेम मेरे पीछे पड़ गया। हाँ देखो, मेरे पीछे आ रहा है मुझे मारने के लिए, मैं हाई बाइसिकल से मरूंगा ताकि उसको मेरा हर्ट मिले और मुझे वापस बाद में कर भी दे। तो मैं बैन तो हो गया हूँ, और अब मैं एक बार को देख लेता हूँ कि क्या मैं दोबारा इस सर्वर में ज्वाइन हो पा रहा हूँ या नहीं। मैंने अब ज्वाइन करता हूँ मैं इस सर्वर से। तो देख, बस ये देखना पड़ेगा कि अगर तो मैं ज्वाइन हो गया इस सर्वर में, तो यानी ट्रिक काम करने की ज़रूरत ही नहीं हो। नहीं, मुझे पता था इतने तो ग्लिच होंगे नहीं सर्वर में कि मैं ज्वाइन कर जाऊँ। तो बस मुझे जाके ओनर को ये मैसेज करना है कि मैं गलती से बैन हो गया हूँ ग्लिच से, सर्वर में ग्लिच चल रहा है, और ऊपर से भी सर्वर में इतना प्लेयर्स भी नहीं है। तो मुझे आराम से, मुझे पता था अनबैन कर देगा, और उसने मुझे कर भी दिया है। तो कह रहे जाके देख लो, अनबैन कर दिया ग्लिच ही। मैंने कहा, मैंने कहा किसी प्लेयर से पूछो, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो हाई बाइसिकल तो मेरा टीममेट है, तो कहेगा नहीं कि उसने मुझे मारा है, मैंने उसको सारी बता दी इस बारे में। तो अब मैं अनबैन हो जाना चाहिए। तो मुझे देखता हूँ मैं क्या मैं ज्वाइन हो पा रहा हूँ। तो बस 10 और होने चाहिए, और पता नहीं इतना क्यों टाइम ले रहा है लोडिंग होने में। हाँ गाइस, मैं स्पॉन हो गया हूँ, हाई बिल्कुल सामने खराब है। ओ भाई, स्पॉन हो गया मैं, और 10 हर्ट मुझे मिल भी गए हैं, यानी अब मेरे पास टोटल हो गए हैं 38 हर्ट्स, यानी 10 हर्ट मेरे भर गए हैं। तो एक तरीके से 10 हर्ट मैंने ड्यूब कर लिए एक तरीके से ट्रिक से। तो इससे तो मैंने ना क्रिएटिव किया ना कुछ चीटिंग की है, मैं तो बस ओनर से कहा उसने अनबैन कर दिया, उसने मुझे अनबैन कर दिया। अब इसमें कोई मेरे पास ट्रिक लगाई है एक, तो 9 हर्ट मैंने दोबारा से विड्रो कर लिया, टोटल मेरे पास सब हो जाएंगे 36 हर्ट्स। ओ भाई, बस अब मेरे ख्याल से मुझे एक दफ़ा और मैं कहता हूँ, मैं अब मैं दोबारा से मैच करता हूँ ओनर को जाके कि मैं अभी तक नहीं अनबैन हुआ। तो दोबारा देखो, तो शायद उन दोबारा कर ही देगा। तो हाई बेसिकली मैंने दोबारा से बैन कर दिया, मैंने उसे कह दिया था। तो मुझे बस यही काम दोबारा करना है। तो मेरे ख्याल से एक दो दफ़ा सिर्फ मुझे वो और करेगा ओनर, उसके बाद नहीं मेरे ख्याल से मुझे अनबैन करेगा वो। तो गाइस, मैं उसको कह रहा हूँ, और उसने मुझे दोबारा से अनबैन कर दिया। कहते हैं मैंने उसको, वो मुझे कह रहा था, उसने मुझे पहले भी अनबैन किया है, तो अब दोबारा मेरे नहीं ख्याल से मुझे करेगा अनबैन। तो बस मैं ज्वाइन कर जाऊँ। हाँ गाइस, देखो मैं दोबारा से 10 हर्ट मिल गए हैं। तो एक तरीके से मैं 10 हर्ट और ड्यूब कर लिए, और टोटल मेरे पास अब हो गए होंगे 45 हर्ट्स। वैसे टोटल 46 हो जाएंगे, 4 मुझे हाई बेसिकली नहीं देने क्योंकि उसने मुझे मारा है। तो 50 हर्ट एक तरीके से मैंने इस सर्वर में कर ही लिए हैं, 58 में टच कर ही लूँगा। तो अभी फिलहाल तो हम सिर्फ 30 हर्ट्स लगा सकते हैं अपने ऊपर, इस ज़्यादा लिमिट नहीं लगा सकते हम हर्ट की। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतने हर्ट, और मुझे हर्ट की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली अभी फिलहाल को, तो क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मैं फाइट भी नहीं करता हुआ करूँ भी। तो 16 हर्ट तो मैं यानी 16 दफ़ा तो मैं मरने नहीं वाला सर्वर में। और बाकी मैं अभी सारा ट्रिक ऑनर को भी जाके बताया हूँ, ताकि अगर कोई बाद में कोई और प्लेयर एसएमपी का ये करना चाहे तो ये ना कर पाए ये ट्रिक यूज़। तो बस ठीक है, मैंने इस ट्रिक का पूरा फायदा उठा लिया, और एक तरीके से मैंने उसको ट्रिक ही किया, मैंने कोई चीटिंग वगैरह की नहीं सर्वर में। तो इसी के साथ मेरे हो तो गए हैं 38 पूरे। तो अभी तो फिलहाल तो मैं सर्वर का सबसे फास्ट ताकतवर प्लेयर बन गया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट इस सर्वर में मेरे पास ही है। हाई वैसे के बाद 13 है और मेरे पास 30 है। तो बाकी मैं 16 किसी को गिफ्ट कर दूंगा सर्वर वाले प्लेयर्स को, जो कोई ट्रेड कर लूँगा किसी के साथ, तो इंचार्टेड आर्मर के बदले, इंचार्टेड टूल के बदले। तो आज की सारी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मुझे कमेंट में बता दे मैं अगली वीडियो में क्या करूँ। मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।